आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकॉन। साइकॉन में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आएगी इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फाइलम पोरिफेरा, उसके बाद क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेटेरोकोएला, जीनस साइकॉन, और इसकी जो स्पीसीज है वो होती है कोरोनेटा। साइकॉन, कोरोनेटा, जीनस एंड स्पीसीज। अब जब हम देखते हैं कि ये पोरिफेरा, इसका जो फाइलम है पोरिफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल। पोरिफेरा का मीन ही होगा पोरिफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल, वो एनिमल जिनके शरीर पे बहुत सारे छिद्र होते हैं, छिद्रधारी एनिमल। ये जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय मेटाजोअन जंतु हैं, मेटाजोअन एनिमल, बहुकोशिकीय मेटाजोअन जंतु होते हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इनका नर्वस सिस्टम अनुपस्थित होगा। इससे आगे जब हम देखते हैं इसकी, देखते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहता है, इसका स्वभाव कैसा। तो ये लवणीय जल में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है, तथा ये एक तरह का स्पंज होता है, मतलब स्पंज लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्पंज होता है ये। या तो कॉलोनी में रहेगा या फिर सिंगल, या तो अकेला रहता है या निवह में रहता है। इनका जो ये क्या करते हैं, ठोस पदार्थों पे चिपके हुए रहते हैं, जैसे समुद्र किनारे जल होता है वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं उन पे ये चिपका हुआ रहता है, इसीलिए इन्हें अर्न स्पंज भी कहते हैं, अर्न स्पंज या कलस स्पंज भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो ऊपरी भाग होता है कलस लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसके अलावा इन्हें क्राउन स्पंज भी कहा जाता है, क्राउन स्पंज भी कहा जाता है, या तो अर्न स्पंज, कलस स्पंज या अर्न स्पंज। अब देखते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी जो आकार और आकृति कैसी होती है। मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फोलॉजी इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी साइज, कैसे साइज है, शेप एंड कलर, किस कलर का होता है। तो जो ये वो साइकॉन होता है इसमें जो इसकी सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है ये, मतलब रेडियल सममिति पाई जाती है क्योंकि कलर्स के समान होता है, तथा इनके जो शरीर की लंबाई होती है लेंथ वो 1 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। और जो इनका कलर होता है या तो सलेटी कलर होगा या फिर ये हल्के भूरे रंग के होंगे, भूरे रंग के। इनकी जो मुख्य जातियां हैं, अलग अलग जातियां पाई जाती है साइकॉन की, तो कुछ एक जातियां जो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट है साइकॉन एलिगेंस, साइकॉन एलिगेंस। सेकंड है साइकॉन रेफेनस, जो एस लिख रहे हैं उसका मीन साइकॉन। थर्ड है इसकी साइकॉन लिंगुआ, लिंगुआ। फोर्थ जो इसकी है वो है साइकॉन कोरोनेटा, और फिफ्थ आएगी
साइकोन, सिली एटम, ये कुछ है किसकी जातियाँ हैं जो कि यहाँ पर बताई गई है कि साइकोन की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती है। ये तो इसकी मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने इसकी साइज, शेप और कलर देखा। इसके बाद आती है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब इसके जो बाह्य आकारिकी होती है वो कैसी होती है। तो इसमें जब हम साइकोन का डायग्राम देखते हैं नॉर्मली, तो कुछ इस तरह से होता है। ये सबसे नीचे का जो भाग होता है उसे कहते हैं बेस। ये बर्ड निकली हुई होती है। ऊपर इनके जो कुछ ऐसे इस कलर की स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। और जो यहाँ पे इसकी बॉडी पे काफ़ी सारे स्पेक्यूल्स लगे होते हैं, पूरी बॉडी पर ही लगे होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पाइक्यूल्स। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हम साइकोन की देखते हैं। फिगर साइकोन। अब इसमें जब हम पढ़ते हैं तो साइकोन का जो निचला आधारीय हिस्सा होता है, जो कि ठोस किसी आधार से चिपका रहता है, उसे हम स्टोलन कहते हैं, जो सबसे नीचे की तरफ होता है। इससे एक नली आकार का उभार निकला हुआ होता है, जिसे बर्ड कहते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जब हम इसकी जो मुख्य संरचना है बाहरी स्वरूप की वो पढ़ते हैं, ऊपर वाली जो ये संरचनाएँ दी गई, इनमें इनमें जो इन्होंने फर्स्ट दे रखा है वो है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो कि ऊपर वाली स्ट्रक्चर थी। जो ऑस्कुलम होता है वो फूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब फूलदान के आकार का होता है, जिसपे बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसे कि हम ऑस्कुलम कहते हैं। ये ऑस्कुलम जो होते हैं इनमें एक्सहेलेंट तथा एक्स करंट छिद्र भी कहते हैं, एक्स हेलेंट या एक्स करंट पोर भी कहते हैं। जो ऑस्कुलम होते हैं, ऊपर की जो स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस टाइप में बनाई थी, उन्हें ऑस्कुलम कहते हैं। और ऑस्कुलम को के जो दूसरे नाम है, जैसे इसे एक्सहेलेंट और एक्स करंट भी कहते हैं। जो ऑस्कुलम होते हैं इनके चारों ओर यहाँ पे लंबे लंबे सीधे कुछ कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रही है स्पाइक्यूल्स बने हुए, ये होते हैं कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं, ये वाले सारे, जिन्हें इस ऑस्कुलर फ्रिंज भी कहते हैं। ये झालरनुमा संरचना होती है, इसीलिए इन्हें ऑस्कुलर झालर या ऑस्कुलर फ्रिंज कहते हैं। जो ये पूरे स्ट्रक्चर है उसे ऑस्कुलर फ्रिंज भी कहते हैं। यहाँ पे हुआ इसका ऑस्कुलम। सेकंड आएंगे इसके डर्मल पोर। फर्स्ट ऑस्कुलम हो गया, सेकंड आएगा डर्मल पोर। अब जो इसमें ये डर्मल पोर दे रखे, ये क्या होते हैं, जो शरीर की सतह पर जो असंख्य मतलब पॉलीगोनल बने हुए होते हैं, जैसे कि मैंने जो ये शरीर बनाया, इसकी सतह पर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डर्मल पोर्स। ये जो छिद्र होते हैं बहुत सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया या डर्मल पोर्स भी कहते हैं। ये वाले जो बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं, सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप में देखने पे पता चलता है, इन्हें कहते हैं डर्मल पोर, जो कि साइकोन की पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। फिर आते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो थी एक्सटर्नल, अब इसमें आएगी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बॉडी वॉल कैसी होती है, कैनाल सिस्टम कैसा होता है। तो हम पढ़ते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है इसकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कि जो इनकी देह भित्ति होती है वो कैसी होती है। तो फर्स्ट ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं,
डिप्लोब्लास्टी होते हैं, मतलब इनमें जो इनके स्तर पाए जाती है, लेयर्स पाई जाती है, बाहर वाली स्तर को कहेंगे पिनेकोडर, जो आउटर लेयर होती है, तथा जो सेकेंड होती है इनकी इनर लेयर, जिन्हें कहेंगे कोएनोडर्म, कोएनोडर्म कहते हैं। आउटर लेयर को कहेंगे पिनेकोडर्म और जो इनर लेयर होती है उन्हें कोएनोकोडर्म कहते हैं। और जो इनके बीच में एक अकोशिकीय जिलेटिनियस का स्तर होता है, ये जो दोनों स्तर बन रहे हैं इन दोनों के मध्य में होगा सेल्युलर या कोशिकीय जिलेटिनियस लेयर पाई जाती है, जो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में पाई जाती हैं। और जो इनकी बॉडी वॉल होती है उनके अंदर होती है स्पंज गुहा, जो क्या करती है कि शरीर की पूरी लंबाई में फैली भी रहती हैं। जो बॉडी वॉल है उनके अंदर की तरफ स्पंज गुहा होती है, जो कि लंबाई में पूरी बॉडी में फैली भी रहती हैं। फिर आएगा इसमें कैनाल सिस्टम। फर्स्ट हो गया बॉडी वॉल, सेकंड आएगा कैनाल सिस्टम। कि इनका जो नाल तंत्र होता है वो कैसा होता है, जो शरीर के अंदर छिद्रों का एक जाल बना हुआ होता है अंदर की तरफ, जो साइकॉन की बॉडी है उसके अंदर की तरफ जो छिद्र होते हैं उनका एक जटिल तंत्र पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नाल तंत्र। ये जो नाल तंत्र होता है इनमें जो मेसेनकाइम्स होते हैं मेसेनकाइम के कारण ही जो साइकॉन होता है, साइकॉन की जो बॉडी वॉल होती है मोटी होती है, जो साइकॉन की बॉडी वॉल मोटी होती है उसका मेन रीजन होता है मेसेनकाइम, इन्हीं की वजह से ये मोटी होती है। अब इनमें दो तरह की कैनाल्स आएगी, एक इनकरंट कैनाल, इसके अंदर फर्स्ट इनकरंट कैनाल, और सेकंड जो आएगी रेडियल कैनाल, जो कहाँ होती है ये शरीर के बाहर की तरफ खुलती हैं। अब जब हम ये कैनाल्स की बात करते हैं तो जो नाल तंत्र होता है, जो जिनमें कि इनकरंट कैनाल व रेडियल कैनाल सारी ये मिलके एक साइकोन का एक प्रकार का नाल तंत्र बनाते हैं, जो ये सारी कैनाल्स होती है यही मिलके कैनाल सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं साइकोन का कैनाल सिस्टम। इनकरंट कैनाल रेडियल कैनाल के मिलने से जो सिस्टम बन रहा है उसे कहते हैं साइकोन का कैनाल सिस्टम। अब साइकोन का कैनाल सिस्टम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम, साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, मतलब साइकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम। अब ये कैसा होता है, इनमें जो होते हैं सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं डर्मल पोर्स, इनमें डर्मल पोर्स होते हैं उनको बताते हैं। ये जो डर्मल पोर्स होते हैं, जो इन करंट कैनाल थी इसके एक बड़े छिद्र द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं, इन करंट कैनाल के जो एक बड़ा छिद्र होता है पोर उसके द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं, आउटर साइड इनकरंट कैनाल के बड़े छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं। ये छिद्र एक पतली झिल्ली द्वारा ढके हुए रहते हैं, इनमें जो ये पोर्स हैं इनके बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली होती हैं, जो कि क्या करती है जल को जब शरीर के अंदर आता है तो उनको प्रवेश करने देती हैं, वाटर को शरीर के अंदर प्रवेश करने देती हैं। अब सेकेंड इनमें पढ़ेंगे इनकरंट कैनाल, फर्स्ट हो गया डर्मल पोर, सेकंड होगा इनकरंट कैनाल। ये जो कैनालें होती है ये किससे बनी आती है,
इनवेजिनेशन के फलस्वरूप, जब देह भित्ति का बॉडी वॉल का इनवेजिनेशन होता है, बॉडी वॉल का इनवेजिनेशन, जब बॉडी वॉल का इनवेजिनेशन होता है तो ये कैनाल्स बनती हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो कैनाल्स होती है वो रेडियल कैनाल के साइड में चलती है, रेडियल कैनाल के एकांतर में चलती है, एकांतर में चलती है, तथा इनका जो बाहरी सिरा होता है वो पोर से ढका हुआ होता है तथा ऑस्ट्रिया में खुलता है, ऑस्ट्रिया में ओपन होता है। फिर थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे प्रोसोपाइल। अब जो ये प्रोसोपाइल्स होती है ये इनकरंट कैनाल्स होती है, उनके इंट्रासेल्युलर स्पेस द्वारा रेडियल कैनाल्स में खुलती है, इन करंट कैनाल के इंट्रासेल्युलर स्पेस द्वारा रेडियल कैनाल में उत्पन्न होती हैं या खुलती है रेडियल कैनाल की तरफ। जो प्रोसोपाइल हैं इनमें जो इनकरंट कैनाल होती है उनके इंटरसेल्युलर स्पेस द्वारा ये रेडियल कैनाल में खुलती हैं, तथा जो ये द्वार होता है जिसे हम प्रोसोपाइल कहते हैं, इन्हीं द्वारों को हम कहते हैं प्रोसोपाइल। सबसे लास्ट में आएगा प्रोसोपाइल। अब प्रोसोपाइल के बाद में हम पढ़ते हैं इनमें रेडियल कैनाल्स, इनकरंट कैनाल आगे, इनकरंट के बाद प्रोसोपाइल आ जाती है, इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल क्या होती है, ये जो इनकरंट कैनाल होती है उसके समानांतर चलती है, इन करंट कैनाल के समानांतर चलती है। फिर इसके बाद आता है एपोपाइल, फिफ्थ नंबर पे आएगा एपोपाइल। एपोपाइल क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी रेडियल नाल होती है एक छिद्र द्वारा स्पंजोसील में ओपन होती है, जो रेडियल कैनाल होती है पोर्स द्वारा स्पंजो सील में उत्पन्न होती है, मतलब ओपन होती हैं, इन्हें हम आंतरिक ऑस्टिया एपोपाइल या इंटरनल ऑस्टिया भी कहते हैं, इंटरनल ऑस्टिया। अब यहाँ पे बात आई कि स्पंजो सील, तो अगला स्टेप हम देखेंगे कि स्पंजो सील होता क्या है। एपोपाइल के बाद में सिक्स नंबर पे आएगा स्पंजो सील। जो स्पंजो सील होता है ये क्या होता है, शरीर की जो केंद्रीय गुहिका होती है उसे हम कहते हैं स्पंजो सील। जो ल्यूकोसोलेनिया है, ल्यूकोसोलेनिया में जो ये केंद्रीय की गुहा होती है इसमें एक कीप कोशिकाओं से आस्तरित होती है, जो केंद्रीय की गुहिका बन रही है, सेंट्रल मतलब कैनाल बन रही है, वो किससे आश्रित होती है, कीप कोशिकाओं द्वारा ढकी हुई रहती है, आस्तरित होती है। सेवन्थ नंबर पे आता है, सेवन्थ नंबर पे आपका आएगा इसमें ऑस्कुलम, ये इसका लास्ट पॉइंट होता है। ऑस्कुलम क्या होता है, ये जो स्पंज होता है उसके शरीर के आगे वाले भाग को, आगे वाला जो छिद्र होता है, हमने बताया कि ये साइकोन का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर वाला भाग, इसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के चारों ओर एक अवरोधनी होती है, मतलब एक लेयर होती है जो क्या करती है कि इसके व्यास को कम करने का या अधिक करने का कार्य करती है, मतलब वो इसके व्यास को कम ज़्यादा करने का कार्य करती हैं। ये आगे आपके सारे साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के जो भी पार्ट्स थे वो। अब इसमें आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कोशिका का संगठन हुआ वो कैसे हुआ,
तो इनमें जो शरीर का गठन होता है वो कोशिकीय स्तर पे होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी इनके शरीर का गठन हो रहा है वो कोशिकीय स्तर से होता है। अब जो इनकी देह भित्ति पहले भी बताई थी डिप्लोब्लास्टिक होती है, जो बॉडी वॉल्व होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब दो स्तरीय होती हैं जिसमें कि एक्टोडर्म व एंडोडर्म आएंगी, एक्टोडर्म व दूसरी होगी एंडोडर्म, तथा इनमें जो दोनों स्तर के बीच में एक मेसेनकाइमल, जो ये दोनों स्तर जुड़ते हैं इनके बीच में किसकी वजह से जुड़ेंगे, मेसेनकाइम की वजह से। इन दोनों को जोड़ने का जो कनेक्टिव स्थल होता है, संधि स्थल जो भी, उसे कहते हैं हम मेसेनकाइम, जो इन दोनों को जोड़ती हैं। अब मेसेनकाइम मेसेनकाइम में भी कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे अमीबिया सेल्स जो कि फ्रीली इनमें पड़ी रहती हैं। अब हम जब ये पढ़ रहे हैं कि इनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एक्टोडर्म, फर्स्ट एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होता है, ये तो ये जो होती है शरीर की सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करती है, तथा विशेष प्रकार की इनमें सिकुड़ने वाली चपटी बहुकोशिकीय पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, जो चिप मतलब चपटी होने वाली बहुकोशिकीय पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं। प्रत्येक जब ये सेल्स है तो इन सब के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, सभी कोशिकाओं के मध्य एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जो एक्टोडर्म होती है शरीर का बाहरी आवरण बनाती है, तथा इसमें विशेष प्रकार की जो कि सिकुड़ने वाली चपटी बहुकोशिकीय पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, तथा प्रत्येक सेल के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। ये कोशिकाएं क्या करती है कि इनमें जो होता है संकुचनशील गति के कारण जो स्पंज होता है उसके शरीर के क्षेत्रफल को ये ज़्यादा या कम करने का कार्य करती हैं। सेकेंड आई, जब हम पिनेकोसाइट, जब इसमें बताया कि पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, तो जो पिनेकोसाइट सेल्स होती है उनको दो भागों में डिवाइड किया, पिनेकोसाइट सेल्स इसके दो सेल्स होती, एक तो होती एक्सोपिनेकोसाइट, एक्सोपिनेकोसाइट सेल्स, और जो दूसरी होती है वो होती है एंडोपिनेकोसाइट सेल। जो एक्सोपिनेकोसाइट सेल्स है इन्हें चर्म पिनेकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती है वो ऑस्टिया और ऑस्कुलम को छोड़ के पूरे स्पंज के शरीर पर, जो जो स्पंज होता है उसके पूरे शरीर की जो सतह होती है उसको कवर करने का कार्य एक्सोपिनेकोसाइट्स करती है। ये सिर्फ ऑस्टिया और ऑस्कुलम को छोड़ देती है, बाकी पूरे शरीर की सतह को ढके हुए रखती है। दूसरी आती है एंडोपिनेकोसाइट्स, इनमें क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर इनकरंट कैनाल और स्पंजोसील, इनकरंट कैनाल और स्पंजोसील के अंदर का जो अंदर वाला आवरण होता है इसको ये कोशिकाएं बनाती हैं एंडोपिनेकोसाइट्स। इनकरंट कैनाल और स्पंजोसील जो है उनके अंदर वाला जो आवरण होता है उनको ये बनाने का कार्य करती हैं। ये तो था एक्टोडर्म में। सेकेंड अब हम इसमें पढ़ते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म एंडोडर्म क्या करेगी, जो एंडोडर्म होती है उनको स्पंजोसिलिक लेयर भी कहते हैं, स्पंजोसिलिक लेयर भी कहते हैं। ये क्या करती है कि जो स्पंज होता है उसके अंदर की जो स्पंज गुहा होती है उसका स्तर बनाती है, स्पंज के अंदर वाली जो गुहा का स्तर बनाती है, मतलब वो एंडोडर्म का स्तर बनाती है,
और ये किसका बना होता है, जो एंडोडर्म का स्तर होता है वो किसका बना होता है, कीप कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तथा ये कोशिकाएं जो होती है अंडाकार या गोलीय होती हैं, अंडाकार या गोलीय। इनके प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है तथा दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है। मतलब संकुचनशील वैक्यूल्स या धानियां होती हैं। ये धानियां क्या करती हैं, ये कुछ धानियां जैसे कि फूड वैक्यूल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है इसी की तरह से इनमें फूड वैक्यूल्स होती है, रिजर्व फूड होता है, ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, राइजोप्लास्ट होता है तथा एक है ना बेसल ग्रेन्यूल्स भी होता है इनके अंदर। अब इससे आगे जब हम देखते हैं तो जो इनकी न्यूक्लियर बॉडी होती है वो कैसी होती है, एक धागे नुमा, मतलब लंबी और धागे नुमा संरचना होती है। जब हम डायग्राम में देखते हैं तो कुछ इस टाइप का जो फ्लैजिला निकलता है, इसे कहते हैं फ्लैजिला। इसके चारों ओर ये कॉलर होती है। तो जो ये फ्लैजिला निकल रहा है इसके आधारीय भाग पे एक झिल्ली बन रही है ये वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर। अब जो एंडोडर्म है इन्हें कॉनेकोसाइट भी कहते हैं, एंडोडर्म या कॉनेकोसाइट, कॉनोडर्म या एंडोडर्म, जिनमें की कॉनेकोसाइट सेल्स होती है। एंडोडर्म के अंदर कॉनेकोसाइट जो सेल्स होती है इनका कार्य क्या होता है, भोजन को पकड़ना, पचाना या फिर जो जलधारा आ रही है वाटर करंट उनका संचालन करने का ये कार्य करती हैं। एंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया, अब आएगा मीजेनकाइम, जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के मध्य पाई जाती है। फर्स्ट अपना था एक्टोडर्म, सेकेंड था एंडोडर्म और थर्ड आएगा हमारा मीजेनकाइम। मीजेनकाइम जो होती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है, मतलब उनको जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या होती है कि एक रंगहीन चिपचिपी जिलेटिन पदार्थ की मैट्रिक्स होती है, जिलेटिन लगा हुआ होता है, मैट्रिक्स होती है जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच होती है। तथा ये किन का स्त्रावण करती है, एंडोडर्म का स्त्रावण। जब एंडोडर्म का स्त्रावण होगा तब ये मीजेनकाइम सेल बनती हैं। अब इसमें जो मैट्रिक्स होती है इनमें काफ़ी मतलब कंटिकाएं या फिर स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो स्पेक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पंज का जो कंकाल होता है स्केलेटन उनको बनाने का कार्य करती हैं। जैसे कि अमीबा की तरह इनमें जो इन कोशिकाओं का जो आकार होता है अमीबा की तरह असममित प्रकार का होता है, मतलब फिक्स नहीं होता। और जो इनमें जिनसे ये लोकोमोशन करते हैं उन्हें कूटपाद कहते हैं, स्यूडोपोडिया, जिनसे कि ये आसानी से गमन करते हैं। तो इसीलिए इन्हें अमीबोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ एक जैसे कि अमीबा की तरह इनका आकार अनिश्चित है, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अमीबोसाइट्स भी कहा जाता है। अब कार्य के आधार पर ये कोशिकाएं अलग अलग होती है, जिस जैसे इनका कार्य होता है उसी तरह से इनके नाम बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है कोलेनोसाइट, जो कोलेनोसाइट्स होती है या इनमें क्या होता है कि जो अमीबोसाइट कोशिकाएं होती है वो शाखान्वित मतलब ब्रांच्ड स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं इनमें, जो कि आपस में जुड़ के क्या करेंगे, जो बहुकेंद्रीय जालिका का निर्माण करेंगे, बहुत सारे केंद्रकों की एक जालिका बनाते हैं। सेकेंड आएगा थीसोसाइट, जो थीसोसाइट है इन्हें स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं, संग्रहण कोशिका भी कहते हैं। और जो इनमें लोकोमोशन होते हैं कूट, जो इनके कूटपाद होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे कि लोब्स के रूप में, पाली रूप में होते हैं। और इनका कार्य होता है पोषक पदार्थों का संग्रहण करना, मतलब फूड को एक जगह स्टोर करने का ये कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें स्टोरेज सेल भी कहते हैं। फिर आएगा इसमें क्रोमोसाइट्स, क्रोमो
थर्ड नंबर पे क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें। इन्हें वर्णक कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्पंज है उसके शरीर का जो कलर है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। क्रोमोसाइट्स का मेनली मतलब यही है कि इनमें जो पिगमेंट मतलब वर्णक पाए जाते हैं, जिनसे कि स्पंज का जो शरीर होता है उनका जो कलर होता है उसको ये बनाए हुए रखती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट कोशिकाएं, जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है स्पंज के शरीर के अंदर की तरफ जो अविभेदित भ्रूणीय अमीबोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जो स्पंज होता है उनके शरीर के अंदर की तरफ होती है अविभेदित, मतलब उनमें विभेदन नहीं होता। भ्रूणीय अमीबोसाइट सेल्स होती है जिनमें जो केंद्रक होता है बड़ा होता है तथा केंद्रिका स्पष्ट होती है। केंद्रक बड़ा होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा तथा इनमें जो केंद्रिका होती है स्पष्ट होती है, मतलब साफ साफ दिखती है। फिर जो इनमें सेक्स सेल्स भी होती हैं, मतलब लिंग कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिनसे क्या होता है कि इनमें जब जनन काल होता है तो अंडाणु और शुक्राणु का फॉर्मेशन करते हैं तथा इनमें जो रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है वो भी देखने को मिलती है। अब फिफ्थ नंबर पे जो आएगी वो आएगी मायोसाइट्स। फिफ्थ नंबर पे मायोसाइट्स क्या होती है? अरेखित पेशी तंतुओं की लंबी पतली व संकुचनशील कोशिकाएं होती है, जो कहाँ पे होती है? ऑस्कुलम होता है उसके चारों ओर वर्तुअल अवरोधनी बनाती है। मैंने बताया था कि ऑस्कुलम के चारों ओर एक अवरोधनी होती है जो क्या करती है कि उसका मतलब जो व्यास होता है उसको बनाने, मतलब कभी बड़ा करना है या छोटा करना है उनका वो कार्य करती है। तो ये होती है मायोसाइट कोशिकाएं जिनका ये कार्य होता है। फिर जो सिक्स नंबर पे आएगी वो होगी स्केलेरोब्लास्ट। सिक्स नंबर वाली ये क्या करती है? कंकाल की जो कंटिकाएं होती है उनका निर्माण करती हैं। कंकाल की कंटिकाएं सब में अलग अलग होती है, जैसे कि हर क्लास में अलग अलग प्रकार की कंटिकाएं पाई जाएगी। जब हम पॉलीफेरा की क्लासेस पढ़ते हैं तो उनमें देखते हैं कि जो कैल्केरिया है उनमें किस टाइप की कंटिकाएं पाई जाती हैं, हेक्सेनेलिडिया में कौन सी आएगी, इसी तरह से। तो इनमें जो कंटिकाओं के आधार पर तीन प्रकार की होती है, इनकी जो कंटिकाओं की प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर इसे तीन प्रकार की बताया गया है। जो फर्स्ट होगी वो होती है कैल्कोब्लास्ट, जो कैल्केरिया के जो कंकाल होते हैं उनके स्पंजों में पाई जाती है और किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। सेकेंड आएगी सिलिकोब्लास्ट। जो सिलिकोब्लास्ट कोशिकाएं होती है ये डिमोस्पोंजिया क्लास के स्पंजों में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि स्पॉन्जी फाइबर्स का निर्माण होता है। थर्ड नंबर पे आएगी स्पॉन्जियोब्लास्ट। तीन अलग अलग बताई गई थी। जो स्पॉन्जियोब्लास्ट है वो डिमोस्पोंजिया क्लास के जो स्पंज होते हैं उनमें आती हैं तथा ये क्या करेगी? स्पॉन्जिन फाइबर्स का निर्माण करती है ये भी। फिर सिक्स नंबर तक यहाँ पे हो गया। सेवन्थ नंबर पे आएगी ग्रंथिन कोशिकाएं, ग्लैंडुलर सेल्स, जो कि सेवन्थ नंबर पे आएगी। इनका क्या कार्य होता है? ये पिनेकोडर्म स्तर से लटकी भी पाई जाती है तथा जो चिपचिपा सा पदार्थ होती है उसका ये सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो स्पंज होते वो सतह से चिपकने में सहायता करते हैं। मतलब स्पंज को चिपकने के लिए जिस श्लेष्मा का ये स्त्रावण करती है वो श्लेष्मा ग्रंथिल कोशिकाओं से आता है। अब इसमें लास्ट रहती है जर्म सेल्स, जिनसे कि अंडाणु तथा शुक्राणु का निर्माण होता है। लास्ट आएगी एर्थ नंबर पे जर्म सेल्स या जनन कोशिकाएं, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो आएगा स्केलेटन, कि जो साइकोन है उसका स्केलेटन किससे बना हुआ होता है, किस टाइप का होता है, इसकी कार्य की क्या होती है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा।